मायसेल्फ कोल्डीपाल, बीएससी नर्सिंग, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ द सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। मेंटल हेल्थ, आज बेसिकली मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ क्या होता है? डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ड्स एंड ईच अदर्स विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। दिस इज़ द मेंटल हेल्थ। कि मेंटल हेल्थ मीन्स ये होता है कि एक ह्यूमन बींग्स कैसे खुद को इस वर्ल्ड्स में एंड लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर रहा है, कितने इफेक्टिवनेस के साथ एडजस्ट कर रहा है और खुद को कैसे मेंटेन कर रहा है, खुद के थॉट्स इमोशंस, उसके थॉट्स इमोशंस खुद के लिए क्या हैं, ये मेंटल हेल्थ है। अब लाइफ स्टाइल्स, लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। लाइफ स्टाइल्स मीन्स हम अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे हमारा जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ में कन्वर्ट हो सके। तो माय टॉपिक इज़ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर मेंटल हेल्थ। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर मेंटल हेल्थ, दिस इज़ अ टॉपिक। अब इसमें मैं बात करूँगी कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे प्रमोट करें और ऐसे कौन कौन से तरीके से हम अपने मेंटल हेल्थ को गुड मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ इसेंशियल फॉर द गुड मेंटल हेल्थ, मतलब कि अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो ये एक इसेंशियल पार्ट है जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ की पॉइंट्स हैं उसके थ्रू हम अपने मेंटल हेल्थ को गुड मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस डाइट, सेकंड इज़ रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड इज़ एडवोकेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, सोशल कनेक्शन हो गया, अल्कोहल यूज़ एंड सब्सटेंस यूज़ हो गया और रेगुलर चेकअप हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस, हॉबीज़ एंड रिक्रिएशंस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं अगर हम इन पे फोकस करें तो इसके थ्रू हम जो अपना मेंटल हेल्थ है मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमारा मेंटल हेल्थ मेंटेन होता है तो इससे हमारा फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। मीन्स अगर कोई पर्सन मेंटली मतलब कि मेंटली वो हेल्दी नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं फिज़िकल हेल्थ को भी मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ हम बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मीन्स फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे कि रनिंग हो गया, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं इससे क्या होता है हमारे जो मसल्स होते हैं मसल्स में भी मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इससे हमारा फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होता है एंड मेंटल हेल्थ भी। मेंटल हेल्थ बेसिकली जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे बॉडी से इंडोरफिन हारमोन्स रिलीज होता है। तो वो हारमोन्स क्या करता है, हमारे मूड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है एंड जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है। तो ये एक रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ को गुड मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स हम ऐसे फूड का कंजप्शन या फिर इनटेक करें जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जिससे हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। जैसे कि हमें जो फूड का इनटेक करना चाहिए उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिंस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स अगर उसका कंजप्शन हम कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे माइंड जो होता है हमारा माइंड जो होता है उसको सपोर्ट करता है। तो हमारे माइंड को सपोर्ट करता है तो हमें मूड हम अपना जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस अगर हम अपनी लाइफ में ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं तो इससे हमारा मेंटल हेल्थ गुड मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ एडवोकेट स्लीप। हर इंडिविजुअल को लगभग 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम जिस दिन भी अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लिए रहते उस दिन पूरा दिन हमें ऐसा फील होता है, रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग आती है, हमें थकान थकान सा फील होता है। तो हमें 7 से 9 घंटे तक की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए एवरी नाइट। इससे क्या होता है कि
जो हमारा मूड होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प मिलता है, और जो एनजाइटी का लेवल होता है वो रिड्यूस करता है। तो इससे भी हम अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम कुछ कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करके स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी हम अपने अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ जो है गुड मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है ना। नेक्स्ट इज सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन मीन्स मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ फैमिली और फ्रेंड्स। हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये लोग हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर कभी ऐसे सिचुएशन आए जब हम स्ट्रेस में हैं या फिर डिप्रेशन में हैं या फिर हमको एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेके, तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम उस सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकते हैं। तो इससे भी हमारा मेंटल हेल्थ मेंटेन होता है। नाउ नेक्स्ट इज लिमिट अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज़। हमें अल्कोहल एंड ड्रग्स का एक्सेसिव अमाउंट में कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा मेंटल हेल्थ होता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज़ करने से हमारा मेंटल हेल्थ में ही हमारे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता, बल्कि हमारा फिजिकल हेल्थ जो होता है उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। मीन्स अनहेल्दी हो जाता है। मीन्स अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसका लीवर भी डैमेज हो सकता है, और अल्कोहल का कंजप्शन जल्दी अल्कोहल एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे बॉडी में, तो उससे उससे बहुत सारे मतलब कि बहुत बहुत सारे उससे अल्कोहल की वजह से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। हमारा रोड साइड एक्सीडेंट्स हो सकता है अगर हम रोड पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन किए हैं, तो इससे हमारा हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है एंड मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर मीन्स हमें टाइम लेना चाहिए अपने सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के लिए। अगर कभी हमें ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि माइंडफुलनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है, हमारा ब्रेन कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकता, उसको भी रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो हम क्या है रेस्ट ले सकते हैं, एक दिन का गैप लें, उसमें हम अपने सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ पे फोकस करें एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करें। इससे क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करते हैं अपना वर्क तो फिर से रिफ्रेश होके माइंड वर्क करता है, और वो बहुत इफेक्टिव तरीके से हम अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर चेकअप। हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, इससे भी हमारा मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों मेंटेन होता है, क्योंकि अगर हम रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनके बॉडी में कोई डिजीज कंडीशन फॉर्म हो रही है, तो अगर हम रेगुलर चेकअप करवाते हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है, तो हम उसका अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट कर सकते थे। इसलिए हमें रेगुलर चेकअप करवाना सही चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है, कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं फॉर्म हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज हॉबीज़ एंड रिक्रिएशन। हॉबीज़ एंड रिक्रिएशन, हमें अपने हॉबीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों की हॉबीज़ होती है, उन्हें लिखना पसंद होता है, पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग को सिंगिंग पसंद होता है, कुछ लोग को ड्राइंग बनाना पसंद होता है, डांसिंग। तो अगर किसी किसी का ये हॉबी है करना तो उस पर थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें जो चीज़ पसंद है अगर हम वो करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, उससे क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश होता है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा और हम एनर्जेटिक रहेंगे, तो हम अपना वर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस।
हमें अपना वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि हम 24 आवर्स वर्क तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम बैलेंस करके सब चल रहे हैं तो हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो होता है वो बैलेंस रहता है एंड मेंटेन रहता है। तो ये भी जो है एक रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने पढ़ा 10 की पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब अगर हम उस पर फोकस करें, इन पे वर्क करें, तो हमारा फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों इम्प्रूव हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट था रेगुलर एक्सरसाइज, फिर बैलेंस डाइट, एडवोकेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर चेकअप, ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में, मतलब अपने लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा जो हेल्थ होता है वो मेंटेन रहता है। अब हम थीम के बारे में बात करेंगे। दिस ईयर, इस साल के जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। मेंटल हेल्थ एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है। टू इम्प्रूव नॉलेज, हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें एंड राइज अवेयरनेस, और इसके बारे में अवेयरनेस है उसको बढ़ाएं। नाउ थैंक यू।